सब्सक्राइब कीजिए रेखा सिंह खाना खजाना को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, रेखा सिंह खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे। आज मैं इस वीडियो में आपको सारे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे हमारे गोलगप्पे एकदम फूले फूले और करारे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। इस मेजरमेंट को बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जिससे आप आसानी से घर में गोलगप्पे बना सकें बिना किसी गलती के। और एक बड़ा चम्मच लिया है। अब मैं इस चम्मच से 5 चम्मच सूजी डालूंगी। ये खाने वाला सोडा है, हमको ये लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। हमको खाने वाला सोडा आधा पिंच डालना है, ये देखिए बस इतना सा। इसको मिलाएंगे। जिस बड़े चम्मच से हमने 5 चम्मच सूजी ली थी उसी को 1 चम्मच भर के गरम तेल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच गरम तेल। अब इसको मिलाएंगे। सूजी में तेल को अच्छे से मिला लें। ये सूजी में तेल को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मिलाएंगे, बहुत हल्के हाथ से मिलाना है हमको। सूजी को दबाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है पानी को। पानी आपकी सूजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सूजी बारीक है तो थोड़ा कम पानी लगेगा और मोटी है तो थोड़ा ज्यादा पानी लगेगा। मोटी सूजी को हमें मिक्सी में पीसने की जरूरत नहीं है। आपके पास जैसी सूजी है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। हम सूजी को हाथ से बिल्कुल नहीं दबाएंगे, बस इकट्ठा करेंगे। ये देखिए हलवे की तरह हो गया है हमारा डो। जैसे सूजी का हलवा होता है उतना पतला, जैसे आटे की हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं, हमारी सूजी फूल गई है। अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक हाथ के इस हथेली से इस जगह से मस लेंगे ऐसे। हमें इसको मसल मसल कर एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है। हमें आटे को मसलते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि 8 ही मिनट लगे, आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 12 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन हमें आटे को एकदम स्मूथ बना लेना है। हमारा आटा तैयार हो गया गोलगप्पे बनाने के लिए। अब हम आटे का एक गोला बनाएंगे। इसको लंबा कर लेंगे और बाकी के आटे को ढककर रख देंगे। हम आटे की इतनी बड़ी लोई तोड़ेंगे। गोले बनाकर रख लेंगे। हम गोलगप्पों को बेलकर नहीं रखेंगे, साथ के साथ बेलेंगे और फ्राई करेंगे। अब देखिए गोलगप्पों को बेलना कैसे है, ये भी एक सीक्रेट है। एक बार ऐसे बेला, फिर पकड़ के इसको पलट देंगे, फिर दोबारा से बेलेंगे। ये हमारा गोलगप्पा तैयार है, इसको फ्राई करेंगे। हम सभी गोलगप्पों को ऐसे ही बेलेंगे, एक बार ऐसे और एक बार लेके पलट दिया, फिर दूसरी तरफ से। ये देखिए इस तरह से हमें सभी गोलगप्पों को बेलना है। ये मैंने आपको बेलकर दिखाए हैं, मैं बाकी के गोलगप्पे सब इसी तरह बेलूंगी। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी।
तो आपका गोलगप्पा खराब नहीं होगा, पूरी की तरह सॉफ्ट नहीं होगा और सभी गोलगप्पे फूलेंगे। अब हम गोलगप्पे फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो रहा है, हम तेल को मीडियम फ्लेम पर ही गरम करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ना हाई करेंगे ना लो करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने डाला था और ये धीरे धीरे तैर कर ऊपर आ गया। हमको इतना ही गरम तेल चाहिए। अब हम गोलगप्पे फ्राई करेंगे। एक एक गोलगप्पा बेलते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब हम गोलगप्पों को पलट देंगे। ये देखिए, हमारे सभी गोलगप्पे फूल गए हैं। एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं है जो नहीं फूला है। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। हम गोलगप्पों को हाफ फ्राई करेंगे, इनको निकाल लेते हैं। हम बाकी के गोलगप्पे भी इसी तरह बेल बेल कर डालेंगे। हमने जो पहले गोलगप्पे हाफ फ्राई किए थे, अब इनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे। अब ये हमारे गोलगप्पे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सारे रूल फॉलो करेंगे तो आपके गोलगप्पे फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। आपके गोलगप्पे पूरी की तरह सॉफ्ट नहीं होंगे। आपको गोलगप्पे एक तरफ से ज्यादा डार्क ब्राउन पसंद है तो थोड़ी देर ज्यादा फ्राई कर लें उनको। हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं। ये सुनिए आवाज, हमारे गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये लीजिए, हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। चार पांच गोलगप्पे ऐसे हैं जो कम फूले हैं, बाकी सभी गोलगप्पे हमारे फूले हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी। आप इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे भी एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।